परेशानी है तुम्हें, क्या क्या दिक्कत होती है बताओ। मैं उल्टी भी आती है, बुखार भी है और लैट्रिन बहुत आती है। अच्छा, बुखार कब आया था? बुखार परसों आया। अच्छा, और उल्टी? उल्टी कल भी आई और परसों भी आई। कल भी आई और परसों भी आई। अच्छा, लैट्रिन कितनी बार आती है एक दिन में? 5 बार, परसों 8 बार आई थी। 8 बार? अच्छा, और कल? कल 4 बार आई थी। कल 4 बार आई थी। अच्छा, और आज सुबह से कितनी बार लैट्रिन आई है? 2 बार। 2 बार, बिल्कुल पतली लैट्रिन आती है। हाँ। दर्द होता है पेट में? हाँ। ऐंठन होती है? हाँ। दर्द भी होता है और ऐंठन भी होती है। हाँ। है ना। अच्छा, कितने दिनों से बार बार होती रहती है दिक्कत तुम्हें? जिम में ऐसे 3 दिन हो गए लगातार। अभी 3 दिन? हाँ। और उससे पहले भी हुई थी? हाँ। तो वो सही हो गई थी? बस सही हो गई। उससे पहले हुई थी तो क्या दवा दी थी? जवारिश अम्ला हयाते जगह। अच्छा, अब ये दिक्कत दोबारा हुई है? हाँ। है ना, अल्ट्रासाउंड कराया तो हाथों में तुम्हारे सूजन आई थी। हाँ। ठीक है, अब मैं ये दवा दे रहा हूँ तुम्हें, और देखो ये आपको एक एक चम्मच सुबह शाम लेनी है। ठीक है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल, हाँ, तो एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है ये वाला शरबत, शरबत बेलगिरी। ठीक है, और सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद। ठीक है, और जवारिश आमला आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम, आधा चम्मच सुबह जब नाश्ता करेंगे उसके बाद लेना है इसको, और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद। दोनों दवा साथ में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। कितनी? 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। हाँ, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। इसमें गोली जो है वो चबाना है। ठीक है, यह पे रसौत है दोस्तों। 1-1 गोली सुबह शाम, जवारी शामला ये देख लिया आपने, ये गोली चबा करके ऊपर से पानी लेना है और गर्म पानी लेना है, बहुत हल्का गुनगुना, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब ठंडा भी नहीं हो। अगर नल हो तो ताज़ा नल में से गर्म गर्म निकाल लेना, तो गर्म मत करना। ठीक है, नल में से गर्म गर्म निकाल लेना, वही पानी लेना है। और गोश्त, अंडा, मछली ये अभी थोड़े दिन के लिए कम करो, सब्जी उब्जी लेना ज़्यादा। ठीक है, ज़ोर से बोलो थोड़ा। ठीक है। हाँ, और पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है। हाँ। बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं लेना है और गर्म पानी भी नहीं लेना है, सिर्फ सादा पानी। नल अगर घर में नल है, हाँ, उसमें से ज़्यादा देर तक चला लो तो गर्म गर्म आने लगेगा पानी, वही पानी पीना है। ठीक है, ठीक। और बाहर की कोई तली भुनी चीज़, पकौड़ी, समोसे, कचौरी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। और जो खाना है वो बहुत कम सब्जी रोटी लेना है। ठीक, और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना। बाहर की चीज़ लेंगे तो दिक्कत आपको बढ़ेगी। ठीक है, कम से कम आप 2 महीने लगातार दवा खाएंगे, ये 2 महीने, जब ये दवा ख़त्म हो जाएगी तो आप लेकर के जाएंगे और दवा। ठीक है, ले जाएंगे या पहुँचानी पड़ेगी? ले जाओगे। अच्छा, ठीक है। अब ये छोटे से बच्चे हैं 10 साल के, और ये शर्मा रहे हैं वीडियो बनवाने से, तो इसलिए इनका इस तरह से वीडियो बनाई है हमने। और इनको जो है, जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक IBS की तरफ जा रहे हैं, जो कि आगे चल के इनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। और ज़्यादा दवा ना देते हुए हम इनको सिर्फ ये दो या तीन दवाइयाँ दे रहे हैं, और ये मदरसे में पढ़ते हैं और ज़्यादातर इनको गर्म खाना पड़ते हैं, और उसकी वजह से इनका हाजमा काफ़ी ख़राब हो चुका है। हाथों इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें इनके हाथों में स्वेलिंग आई है, और उसी वजह से इनको काफ़ी हद तक ये दिक्कत हो रही है। आए दिन इन्हें दस्त की परेशानी होती है। पिछली बार मैंने इनको जवारी शामला हयात जिगर दिया, सही हो गए थे, काफ़ी दिन तक सही रहे, अब दोबारा इनको दिक्कत हुई है, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें ये परेशानी आई, उसके बाद ये दवाएँ शुरू करवा रहे। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, शुक्रिया।